नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताएंगे आज के हमारे खबरों के सिलसिले में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे आज की सुर्खियों के अंदर हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की खबर, CEBR रिपोर्ट्स, इंडिया बनेगा दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की खबर, और कारोबार जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे नॉर्थ इंडिया में मैकडोनाल्ड आउटलेट बंद हो सकते हैं की खबर, नवंबर माह में GST कलेक्शन कितना हुआ की खबर, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे आज सलमान खान का बर्थडे है। हम आपको बता रहे हैं कि टाइगर जिंदा है मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करी है की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम आपको बताएंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह आज की खबर। आज हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का गठन किया जाएगा। हम आपको ये बताएं 13वीं विधानसभा के गठन का समारोह रिज मैदान में आयोजित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और BJP प्रेसिडेंट अमित शाह जी उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और जो शपथ दिलाने का कार्यक्रम है वो 10:30 बजे बाद से शुरू हो जाएगा। हम आपको ये बताएं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर 68 सीट है, इसके अंदर 44 सीट BJP ने जीती है। हम आपको ये भी बताएं जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो आज से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जयराम ठाकुर। हम जयराम ठाकुर को हमारा चैनल आज की खबर मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता है। हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर हम आपको बता रहे हैं CEBR रिपोर्ट। CEBR क्या है हम आपको बताते हैं, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने क्या कहा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको ये बताएं कि जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, इस बारे में ये रिपोर्ट दी गई है। तो हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। CEBR सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि इंडिया साल 2018 में फ्रांस और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और ये कहना है किसका, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ CEBR का। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ CEBR डगलस मैक विलियम्स ने कहा है कि नोटबंदी और GST ने इंडिया का जो विकास है उसकी गति को धीमा जरूर किया है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। तो ये खबर आने के बाद जो शेयर मार्केट है उसमें भी काफ़ी उछाल देखा गया है। हम आपको ये बताएं जो हमारा सेंसेक्स है वो 34,000 के पार चला गया, और जो हमारा निफ्टी है वो 10,530 के आसपास घूम रहा है। तो दोस्तों, जो जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी हमारा शेयर मार्केट भी मजबूत रहेगा। अब हम आपको बता रहे हैं हमारी अगली खबर हम ले रहे हैं कारोबार जगत से। हम आपको बता रहे हैं यदि आप पिज़्ज़ा और बर्गर खाने के शौकीन हो और आप उत्तर भारत में रहते हो, तो हम आपको ये बताते हैं कि अब आपको पिज़्ज़ा और बर्गर खाने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका एक प्रमुख कारण हम आपको बताते हैं, कनाट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड और जो उसका पार्टनर है राधा कृष्ण फूडलैंड के बीच में पैसों को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के कारण नॉर्थ इंडिया में कई मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पहले ही बंद किए जा चुके हैं, और जो बाकी बचे हुए आउटलेट हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। हम आपको ये बताते हैं नॉर्थ इंडियन लोगों को पिज़्ज़ा और बर्गर खाने को अब नहीं मिलेगा। खबर आ रही है कि राधा कृष्णा जो फूडलैंड है उसने 80 से ज़्यादा आउटलेट पर सप्लाई रोक दी है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर हम ले रहे हैं नवंबर माह में GST कलेक्शन कितना हुआ की खबर। हम आपको ये बताएं जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, वो GST टैक्स लागू किया था,
और जीएसटी टैक्स से गवर्नमेंट की कितनी आमदनी हुई है इस बात के आंकड़े गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। हम आपको पूरी खबर विस्तार से देते हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से नवंबर माह में कितनी कमाई करी है इस बात के आंकड़े जारी कर दिए हैं। हम आपको ये बताएं, गवर्नमेंट को नवंबर माह में जीएसटी टैक्स से 80,808 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हम आपको ये भी बता दें, जो अक्टूबर माह था उसके अंदर जीएसटी टैक्स से 83,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, तो इससे और कम हो गई है नवंबर माह के अंदर। हम आपको ये बताएं, पिछले दो महीने से जीएसटी टैक्स है उसकी जो आमदनी है वो कम प्राप्त हो रही है गवर्नमेंट को, और इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट कई चीज़ों में जीएसटी जो टैक्स है उसको कम कर रही है। इसका प्रभाव जीएसटी टैक्स कलेक्शन पर पड़ रहा है। हम आपको ये भी बताते हैं, जो अगस्त और सितंबर माह का जीएसटी टैक्स था वो 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर था। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई। मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं टाइगर जिंदा है मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की खबर। टाइगर जिंदा है मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई थी। हम आपको ये बताएं, इस मूवी ने महज 4 दिनों के अंदर कितनी कमाई करी है इस बात के आंकड़े तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किए हैं। हम आपको बताते हैं कि तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या बताया है। फ्राइडे को टाइगर जिंदा है मूवी ने 34.10 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। सैटरडे को टाइगर जिंदा है मूवी ने 35.30 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। संडे को टाइगर जिंदा है मूवी ने 45.53 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। मंडे को टाइगर जिंदा है मूवी ने 36.54 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। हम आपको बताते हैं कि टाइगर जिंदा है मूवी ने अब तक टोटल 4 दिनों के अंदर 151.47 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हम आपको ये भी बताते हैं, तरण आदर्श के अनुसार 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली टाइगर जिंदा है मूवी 12वीं फिल्म बन गई है। हम आपको ये भी बताएं, सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने 320.34 करोड़ रुपए की कमाई करी है। सुल्तान मूवी ने भी 300 करोड़ रुपए की कमाई करी है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हम ले रहे हैं खेल कूद से जुड़ी हुई। खेल कूद की खबरों में हम आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशियाई श्रृंखला खेली जा रही है, और इसके तहत चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हम आपको बताएं कि आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में खेलते हुए 327 रन बनाए 10 विकेट खोकर 119 ओवर के अंदर। वहीं पर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 72 रन बनाए 1 विकेट खोकर और 23 ओवर के अंदर। अब हम आपको अपडेट कराते हैं हमारी अगली खेलकूद की खबर से। अगली खेलकूद की खबर आ रही है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में ओनली टेस्ट मैच चल रहा है। यह टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। हम आपको यह बताएं, साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 309 रन बनाए 9 विकेट खोकर 78.3 ओवर के अंदर। वहीं पर जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 30 रन बना लिए हैं 4 विकेट खोकर 16 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं हमारी खेलकूद की अगली खबर, और अगली खबर आ रही है न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच में कल तीसरा ओडीआई मैच खेला गया था। इस मैच का रिजल्ट आ चुका है। हम आपको यह बताएं, यह मैच न्यूजीलैंड ने 66 रनों से जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रॉस टेलर को दिया गया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को दिया गया। तो दोस्तों, यह है आज की हमारी तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।